नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच विशाखापत्तनम में खेला गया। एक रोमांचक मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, उसके बाद गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 126 रन बना सकी 20 ओवर में। यहाँ पे भारतीय टीम ने 7 विकेट भी गंवाए थे। भारतीय टीम की तरफ से बात करें तो KL राहुल शानदार फॉर्म में आज नजर आए। उम्मीद भी थी, 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली शानदार तरीके से खेलते आए। महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को संभाला जब विकेट का नुकसान हुआ था। 126 रन भारतीय टीम बना सकी, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 127 रन बनाने थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पे कड़े मुकाबला देखने को मिला। एक समय ऐसा लग रहा था जब एक गेंद पे, आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बचा सकती है, वो एक रन मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 19वें ओवर के जो आखिरी गेंद था वहाँ पे 2 रन दौड़ लिए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहला T20 मुकाबला जीत लिया है और इसके साथ 1-0 से आगे बढ़ चुकी है। 2 T20 मैच खेले जाएंगे। जो दूसरा T20 मैच है वो बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम जाहिर सी बात है यहाँ पे बराबरी करने के लिए अब उतरेगी। दबाव में भारतीय टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ आगाज किया है और क्या रही मैच में जो दिलचस्प मोड़ आए, शुरुआत किस तरीके से रही, सबको लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं। सर, पहले तो भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, शुरुआत बेहतरीन हुआ, पहला विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली और KL राहुल ने अच्छी साझेदारी दिखाई, लेकिन उसके बाद कोई साझेदारी बिल्ड नहीं हुई। 126 पे आप 7 विकेट गवा दिए, 20 ओवर खत्म हो गए, 126 रन ही बना सके। हम पहले भी जब पहला इनिंग खत्म हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि गेंदबाजी पे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम गेंदबाजी के बदौलत मैच निकाल सकती है और ऐसा देखने को भी मिला। इतने लो स्कोरिंग मैच में भी गेंदबाजों ने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, इन दोनों ने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की। जो 2 गेंदबाज और थे जिनसे उम्मीद थी, उमेश यादव इतने लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे, मयंक मार्कंडे ने डेब्यू किया, इन दोनों गेंदबाजों से आपको जितनी उम्मीद थी क्या वो उम्मीद देखने को मिली? उमेश यादव ने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा निराश जरूर किया है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके बोर्ड पर रन्स ना हो तो आपके गेंदबाजों की कोई गलती नहीं है। आप अगर देखें, अगर मैच की पूरी समराइज करके अगर आप लास्ट में देखें तो आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और उसके बाद आखिरी गेंद तक मैच गया है। 126 अगर आप 20 ओवर के क्रिकेट में, चाहे भले जिस तरह की भी पिच हो, अगर आप 20 ओवर की क्रिकेट में 126 बनाते हैं और उसके बाद फिर आप आखिरी गेंद तक मैच को ले जाते हैं, दैट मीन्स कि आपके बॉलर्स ने एफर्ट किया है, भले ही चाहे वो बुमराह का एफर्ट हो या फिर किसी और गेंदबाज का। उमेश यादव ने आखिरी ओवर में 13-14 रन जरूर दे दिए, इस पर भी विचार जरूर हो रहा होगा ड्रेसिंग रूम में। आज विराट कोहली किस माहौल में होंगे ये वही जानते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आखिरी ओवर तक जिस तरह से मैच बनाया गेंद, उमेश यादव थे जो दूसरे स्पेल में वापस आए थे और 2 ओवर बेहतरीन डाले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत की गेंदबाजी से ज़्यादा भारत की बल्लेबाजी को कोसने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है KL राहुल को हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया, आज उन्होंने हमें जवाब दिया है, अपने आलोचकों को जवाब दिया है, लेकिन बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे थे आज? मैं 6 नंबर पर आज दिनेश कार्तिक को जो फिनिशर वाला रोल दिया गया था, वर्ल्ड T20 के लिहाज से भी तैयारी देख रहे हैं। अब जब आपको पता है कि आपकी विकटें गिर चुकी हैं, महेंद्र सिंह धोनी एक एंड पकड़ कर खड़े हैं, तो ये क्या ज़रूरत है कि इस तरह की आप शॉट खेल रहे हो? बॉल आज थोड़ी सी लो भी हो रही थी, प्लस पिच पर क्रैम्प्स थे, मैं शुरुआत से बात कह रहा हूँ। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई ख़राब डिसीजन लिया था 3 स्पिनर्स को खिलाने का, लेकिन अगर आप यहाँ पर विजय शंकर रहते तो वो मीडियम पेस जो डाल रहे थे वो डाल सकते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर विजय शंकर आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होते। मयंक मार्कंडे को आप डेब्यू कराते, अच्छी बात है कि मयंक मार्कंडे को आपने डेब्यू कराया है, तो फिर आपको कृणाल पांड्या की जगह खिलाना चाहिए था, हालांकि कृणाल पांड्या ने भी अच्छी गेंद फेंकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उमेश यादव के लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे लगभग अब बंद होते हैं, क्योंकि ये चौथा पेसर ढूंढने की पहली बात तो जरूरत क्यों है? ये जबरदस्ती अगर ढूंढना है तो फिर आप देख लीजिए, आप खलील अहमद को ट्राई कर सकते हैं। खलील अहमद आपके लिए बेहतर ऑप्शन थे, खलील अहमद लेफ्ट आर्म पेसर आपकी टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि टीम हर बार बदल रही है। हम इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे क्योंकि अब यहाँ पर आपको ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। पिछली बार तो आपने कह दिया कि नहीं भाई बारिश ने बचाया, और वाकई में बारिश ने बचाया था ऑस्ट्रेलिया जब हम गए थे T20 सीरीज के लिए, लेकिन इस बार जो ये मैच जो विशाखापट्टनम T20 जो गया है, ये हमारी खराब बल्लेबाजी की बदौलत गया है। रोहित शर्मा की विकेट गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, वहाँ पर जरूरत थी,
एक टफ कॉल हुआ वहां पर, उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुए, और फिर जब महेंद्र सिंह धोनी के साथ अच्छी बल्लेबाजी आप जब कर रहे हो, आपके साथ मोमेंटम है, आपको पिच आपने भाप ली है, 130 140 40 कम से कम इस पिच पर आपके लिए डिफेंडेबल थे, आप डिफेंड कर सकते थे। जब 127 जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है, अगर 140 होता तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हार जाता। बिल्कुल हारता, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता वो उस समय कुछ अलग सिनेरियो से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आप देखिए मैक्सवेल का, हमें लगा कि एम फैक्टर बहुत ज्यादा काम किया या मैक्सवेल ने बहुत तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन एक चीज सोचने की जरूरत है कि मैक्सवेल केएल राहुल से ज्यादा गेंद नहीं है 50 बनाने में, तो ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल को भी खेलने में दिक्कत आ रही है, जबकि इतने बड़े स्लॉगर हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं, और आपको बता देंगे ग्लेन मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम आज खेली है, हम ये नहीं कहेंगे कि खराब खेल दिखाया है, लेकिन खराब बल्लेबाजी हुई है। जब आप इतने बड़ा बैटिंग लाइनअप लेकर उतरते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव भी है कि भाई केएल राहुल के लिए एक थोड़ा सा भारत को एक अच्छा जंप मिला है, राहुल को हो सकता है एक मैच और देंगे, क्योंकि अगला मैच जो है वो बैंगलोर में, और बैंगलोर सबको पता है गेंदबाजों की कब्रगाह पिच होती है वो, वहाँ पर तो एक तो ग्राउंड छोटा है प्लस रनों की बारिश होती है, तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो बहुत लंबे लंबे छक्के लगने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आज बहुत सुपर एफर्ट फ्रॉम देम। अच्छा, मैं आपका ध्यान बल्लेबाजी से हटा के गेंदबाजी की तरफ ले आना चाहूँगा। जो भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, पहला ही विकेट रनआउट के थ्रू मिला था, उसके बाद बुमराह ने विकेट निकाला था, उसके बाद उमेश यादव गेंदबाजी करने आए, पहला ही ओवर डाल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने 13 रन दिए, उसके बाद काफ़ी देर तक वो, ये उनका जो पहला ओवर था वो आखिरी ओवर हो गया, और जो बाद में 2 ओवर उसके बाद उन्होंने ठीक तरीके से डाले, लेकिन आखिरी ओवर जो महत्वपूर्ण ओवर था, 14 रनों की वहाँ पे ज़रूरत थी। 14 रन अगर जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर करा रहे हो तो जाहिर सी बात है टीम इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाती। 19वें ओवर में जैसा कि हमने देखा कमाल की वहाँ पे गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने, क्या आपको नहीं लगता कि 14 रन उमेश यादव बचा सकते थे? देखिए मुझे लगता है लव बिल्कुल बचा सकते थे उमेश यादव, और उमेश यादव पर भरोसा जताया ये भी बेहतर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको वर्ल्ड कप से पहले अब इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों है, क्यों आप अपनी फुल टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं? दूसरी बात क्या है कि उमेश यादव का जो पहले ओवर का स्पेल था और आखिरी ओवर का स्पेल, अगर आप ये दोनों हटाए तो बीच में जो 2 ओवर जो उन्होंने डाले उसमें महज उन्होंने 8 रन दिए, तो मैच उमेश यादव ने भी बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उमेश यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मैच उन्होंने बनाया है। मयंक मार्कंडे पर प्रेशर था, सुपर एफर्ट उनका भी है, क्योंकि उन्होंने आखिरी ओवर जो डाला है अपना, महज 5 रन दिए हैं, 21 रन चाहिए थे और उसके बाद 16 रन बचे थे, तो महज 5 रन उन्होंने दिए हैं, तो गेंदबाजी अच्छी है, एफर्ट लगाया है, और मुझे लगता है कि इतने कोई ज़्यादा खराब गेंदबाजी नहीं हुई है। हमें लग रहा है कि हम 127 में हम हारे हैं, इस वजह से हमें लग रहा है कि इतनी खराब गेंदबाजी हुई है। मैं गेंदबाजी नहीं, गेंदबाजी खराब नहीं हुई, मैं रन बचाने की बात कर रहा था। बिल्कुल रन बचाए जा सकते थे, उमेश यादव को पता है कि भाई आगे डाल के विकेट मिल रहे हैं आपके पास, आपको जब रिवर्स स्विंग मिल रहा है तो आप आगे डालोगे बल्लेबाज को। जसप्रीत बुमराह का जो वो सुपर जो स्पेल था, जसप्रीत बुमराह ने जो ओवर डाला उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे गेंदबाजी कराई, और उनकी यॉर्कर जो वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी, जो आखिरी गेंद जो उन्होंने अपने ओवर की डाली वो तो अनप्लेएबल डिलीवरी आप उसको कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उमेश यादव को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप इतने सीनियर खिलाड़ी होकर अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब है भारत के लिए भी। सिद्धार्थ कौल बल्कि एक अच्छे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपने उनको रखा है तो उनको आप खिलाइए। आप ऐसा नहीं है कि एक मैच उमेश यादव का मैच खराब होता है आप उनको पहले मौका दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप किन खिलाड़ियों को आप खिला रहे हो, किन को रोटेट कर रहे हो। मयंक मार्कंडे का आपने डेब्यू जरूर कराया आज और अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आप अगर जब आप बैंगलोर जाओगे ये दूसरे मैच में जब जाओगे तो वहां आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वहां विराट कोहली को आइडिया है क्योंकि वो आरसीबी के लिए खेलते हैं, लेकिन वहां पर आप पेसर खिलाओ स्पिनर खिलाओ उसमें आपको कुछ ही नहीं, वहां रन बने हैं तो वहां मार पड़नी है, और वहां 2 ही बल्लेबाज चलते हैं, वहां एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे विराट कोहली, अगर दोनों का जलवा चला तो ही हम जीत पाएंगे। वरना जो आज विशाखापट्टनम में हमने देखा है, विराट ने अच्छा एफर्ट दिखाया, राहुल ने अच्छा एफर्ट दिखाया, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि नंबर 4 नंबर 6 भारत का नहीं चल रहा है। 6 ठीक है, दिनेश कार्तिक का मजबूरी है, आपके स्क्वाड में थे तो आपने खिलाया उनको, लेकिन नंबर 4 ऋषभ पंत को आप कब तक कहोगे खराब किस्मत खराब किस्मत? साफ सी बात है कि अगर आपने उनको वनडे फॉर्मेट में रखा है तो ऋषभ पंत को आपने वर्ल्ड कप के लिहाज से रखा है। अब हम चाहे आप रन आउट हो जाओ या फिर आप अपना विकेट थ्रो करके चले जाओ, आपको सीखना पड़ेगा, आपको मैच खत्म करके आना पड़ेगा, वरना महेंद्र सिंह धोनी की का जो इनको हम अस्तित्व देखते हैं इनमें, धोनी जब आए थे तो शुरुआत में भले वो पीछे हटे थे लेकिन उन्होंने मैच जिताना शुरू किया था भारत को, तो मैच खत्म करके आते थे वो। यहाँ पर ऋषभ पंत को सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप आए एक उलूल जुलूल शॉट खेली और आप आउट हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम थोड़ा सा सीखेगी यहाँ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हारना, इस टीम से हारना बहुत जो है निराशाजनक है, खलेगा टीम इंडिया को भी खलेगा। मैं एक चीज़ और देख रहा था लव, कि आखिरी इनकी जो 6 गेंदे हैं
दोनों बल्लेबाज नए थे और दोनों ने तीन तीन गेंदें खेली और दोनों ने सात सात रन, यानी 14 रन इन्होंने कवर कर दिए। एक एक चौका दोनों को चाहिए था, वो जड़ दिया और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करके इतने छोटे जब स्टेडियम में दो पार्टनरशिप रन बन दिखा है वो आखिरी ओवर में भी दिखा है। 14 रन गए। बनाना आसान नहीं होता है। गेंदबाजी की जो हम लगातार इसमें बात करते आ रहे हैं, बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की। 4 ओवर के गेंदबाजी में मात्र 16 रन दिए, 3 विकेट निकाले। शुरुआत बेहतरीन तरीके से किया। युजवेंद्र चहल ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की, 28 रन दिया, 1 विकेट निकाला। उमेश यादव ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 35 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कुणाल पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 1 विकेट निकाला। मयंक मार्कंडे जिनका आज डेब्यू मैच खेल रहे थे, 4 ओवर की गेंदबाजी करके 31 रन दिए, इनके हाथ भी कोई सफलता नहीं लगी। बहरहाल टीम इंडिया के पास अभी भी मौके हैं कि वो संभल जाए, दूसरे T20 में वापसी कर जाए और एक एक से ये सीरीज बराबरी करने की टीम इंडिया सोचेगी। दूसरा मुकाबला 27 फरवरी को खेला जाएगा शाम के 6 बजे से बेंगलुरु में। देखना होगा कि वहाँ टीम इंडिया के बल्लेबाज खास तौर पे कितने शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हाई हैं। स्कोरिंग होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा, उम्मीद भी है कि आप प्रदर्शन करें और इस मैच में कम से कम वापसी कर जाए। 2 ही मैच हैं आपके पास T20 के, तो बराबरी कर ले। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।